हेलो एवरीवन, आज का सेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग रेलवेज एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखे गए हैं हर सेट में, और उसका रीज़न यही है कि ये पेपर आपके फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस से कॉमन हो रहा था। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये डिज़ाइनिंग सेक्शन का सबसे बेसिक हिस्सा भी है। ठीक है, तो इसलिए इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। हालांकि ये इसमें मैनुअल ड्राइंग ही पढ़ाया जाता है सबको, और यही वजह है कि ये रेलवेज एग्ज़ाम में पूछता है। इसमें मैनुअल ड्राइंग करते हैं। डिज़ाइनिंग वाले कहीं कभी भी जाएंगे कहीं भी इंटरव्यू के लिए, तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट देने होते हैं। उस प्रोजेक्ट में वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से उन्हें कंपनी हायर करती है कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है, डिज़ाइनिंग उनकी अच्छी है, उनकी डिज़ाइनिंग से उनके जो भी उन्हें अपनी कंपनी के लिए जो चाहिए वो उस डिज़ाइनिंग से उनको पता चल रहा है कि वो उनके कंपनी के लायक है या नहीं उनकी डिज़ाइनिंग, तो ही उसे बंदे को वो हायर करेंगे, वरना नहीं हायर करेंगे। तो इसलिए मतलब यही होता है कि ये आपके आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का एक साधन है ड्राइंग जो है। ठीक है, जिससे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं ये डेफिनेशन, विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या आखिर। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है लाइन, तो यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइन है जो कि पढ़ने हैं और एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। लाइन है क्या, यूज टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल ड्राइंग एंड ईच लाइन इन अ ड्राइंग शोज सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको कि हर लाइन जो है, अब इसमें मैं एक वन बाय वन सारे लाइन बताऊंगी कि क्या है ये। तो ये लाइन बताता है, देखो हर तरह का लाइन होता है, आप एक ही तरह के लाइन को हर जगह यूज़ नहीं कर, आप लोग पेंसिल यूज़ करते थे ना वहाँ पर जब ड्राइंग करते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर में, याद करो वहाँ पर अलग अलग पेंसिल रखी जाती थी। ठीक है, तो हर पेंसिल अलग अलग लाइन के लिए होती थी, तो उसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वन बाय वन उसको देख लेते हैं। ये जो है आपका एक ड्राइंग का व्यू है, ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है ये, और ये साइड व्यू है। ये जो फिगर ऑप्टेन हो रहा है ये आपके हॉरिजेंटल प्लेन पे ऑप्टेन हो रहा है, जिसको प्लान बोलते हैं। ये टॉप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग नहीं बनाया है, ड्राइंग और बना के नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ व्यू बताया है यहाँ पे। ये जो टॉप व्यू है ना, इसको प्लान बोलते हैं, याद रखो क्योंकि पूछ सकता है। ये फ्रंट व्यू है, इसको एलिवेशन बोलते हैं, और ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू को तो साइड व्यू बोलते हैं, लेकिन इसे ये जो फिगर है जिस प्लेन पे बनता है ना, उसको प्रोफाइल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, प्रोफाइल प्लेन पे बनता है। ये छोटे छोटे टॉपिक से पूछ देता है कभी कभी। तो वन बाय वन हम इसके देख लेते हैं कि क्या क्या लाइन है। सबसे पहला है विजिबल लाइन, तो जो लाइन दिख रहा है क्लियरली विजिबल हो रहा है ब्लैक कलर से, ये सारे विजिबल लाइन है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पे दिखाया है इसको। ये वाला जो लाइन है ना, देखो ये वाला लाइन, ये लाइन जो है सब विजिबल हो रहा है क्लियरली, तो ये विजिबल लाइन हो गया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है, वहाँ पे फिगर थोड़ी दे रखेगा कि ये बताओ कौन सा लाइन है। देखो ये कंटिन्यूस थिक होता है, ये थिक, देखो ये थिक है ना, कैन सीन इन द करेंट व्यू। एक बार में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, तो ये विजिबल लाइन हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन लाइन, देखो डायमेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं, हैचिंग लाइन भी कहते हैं, या फिर लेडर लाइन भी कहते हैं। तो देखो डायमेंशन लाइन को यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये वाला लाइन देख सकते हैं,
ये वाला लाइन, ये जो डायमेंशनिंग की गई है ना, यही वाली, इसको प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन आप जब इस इसका प्रोजेक्शन करेंगे इस फिगर को बनाने के लिए, टॉप व्यू को बनाने के लिए, फ्रंट व्यू को बनाने के लिए, ये इस टाइप का लाइन यूज करते हैं। फिगर होता है ना, अगर ये फिगर है, इसको प्रोजेक्ट करना है जिसके वजह से आपका इमेज बनेगा, तो यही होता है प्रोजेक्शन लाइन। फिर हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन भी दिखा जिससे हम दिखाते हैं, जो कि हैचिंग लाइन ऑलवेज 45 डिग्री पे बनता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर लेडर लाइन डायमेंशन, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दिखाया जाता है ना इस टाइप से एरो देकर, इसी कहते हैं लेडर लाइन, तो ये भी जो होता है यही वाला लाइन होता है, ठीक है। और भी टाइप्स हैं इसमें, बस इम्पॉर्टेंट यही है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है ये है कि कंटिन्यूस थिन होता है, इंडिकेट द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फीचर्स, तो इसको याद रखना है। और इसमें ये चीज़ याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है ना और ये डिस्टेंस, ये एरो देख रहे हैं, इनके बीच का जो भी रिलेशन है ये 1:2 होता है, वो सॉरी 1:3 होता है, 2 नहीं 3 होता है, तो इसको याद रखना है। इसका ब्रेथ और इसका लेंथ, विथ, विथ हो गया ये, विथ और लेंथ का रिलेशन 1:3 होता है, याद रखना है बस। और हैचिंग के लिए बताया 45 डिग्री पे होता है, इंक्लाइन होता है हैचिंग। तो देखो ये दो चीज़ें हो गई। फिर है हिडन लाइन, हिडन लाइन किसे कहते हैं, देख सकते हैं ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से जो लाइन दिख रहा है, जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन किया जाता है टॉप फ्रंट और साइड व्यू में, जो वो प्रोजेक्शन जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है, उसको हिडन लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये सर्कल है, सर्कल को दिखाया है फ्रंट व्यू में, तो इसे हिडन लाइन से दिखाया है सर्कल को, ये जो है ना ये होल था, इसको होल को इसमें दिखाया टॉप व्यू में, तो ये सर्कुलर से दिखाया, लेकिन इसी चीज़ को फ्रंट व्यू में, क्योंकि ये हिडन हो रहा है फ्रंट व्यू से, वह क्लियरली विजिबल नहीं होगा, इसलिए उसको हिडन लाइन से दिखाया गया है। और ये हिडन लाइन का प्रॉपर्टी क्या है ये देख लो, और ये प्रॉपर्टी याद रखना कि इट इज डैश थिक, रिप्रेजेंट्स फीचर दैट कैन नॉट बी सीन इन द करंट व्यू, यहाँ पे नहीं दिखता है। अब फ्रंट व्यू में कोई भी टॉप पे अगर हॉलो है किया हुआ, तो आप फ्रंट से नहीं देख सकते उसको, है ना, तो इसको याद रखना। फिर आता है सेंटर लाइन, द चेन थिन रिप्रेजेंट्स सिमेट्री, देखो ये दिख रहा है सेंटर लाइन, ये रेड इन कलर, 2:9 का रेशियो होता है इसका, याद रखना, ये वाला बीच से जो लाइन गया है ना, यही है सेंटर लाइन, यहां से गया है और यहां से गया है। तो ये हो गया लाइन की, लाइन क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसको दिमाग में रखना, कहीं लिखना है तो लिख लो, तो वो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन। तो पहले मैं ये बता रही थी कि कितने टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं, अगर प्रोजेक्ट किया तो कितने टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है। वहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे थे, वो प्रोजेक्शन के बाद जो भी आपको ऑप्टेन हुआ, उसमें कौन कौन सा लाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो बताया मैंने। और ये अब है कि ये प्रोजेक्शन क्या होता है, टू क्रिएट अ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो प्लेन है, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। इस पे इमेज, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्रिएट होता है, ये टॉप व्यू पे और फ्रंट व्यू पे, ये सामने दिख रहा है, ये प्लान है और ये एलिवेशन है, ये वाला एरिया प्लान है और ये एलिवेशन है, ठीक है, ये एलिवेशन है, लिख लो कहीं पे, ठीक है, ये एलिवेशन है, ये प्लान है, याद रखना इसको। फिर देखो अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर मैं सिलेंडर कंसीडर करती हूं तो उसका जो है व्यू कैसा ऑप्टेन होगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 3D फिगर बनाया, ये 3D है, ये जो प्लेन है ये भी 3D है और ये सिलेंडर ये भी 3D है,
बट आप जब 2D में देख रहे हैं तो ये क्लियरली जो है फिगर है, बना नहीं है, देखो सर्कल कैसे दिख रहा है। और ये तो ये इसका रीजन यही है कि 2D और 3D को साथ नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, डिजाइनिंग में 2D और 3D को साथ नहीं दिखाया जा सकता। यही वजह है कि जब डिजाइनिंग करी जाती है तो 3D अलग सॉफ्टवेयर में करी जाती है और 2D अलग सॉफ्टवेयर में की जाती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ फिर भी कि क्या ऑप्टेन हो रहा है। ये सिलेंडर कंसीडर किया है ना, ये सिलेंडर कंसीडर किया है, इसका टॉप व्यू जो होगा ये रेक्टेंगुलर होगा और इसका फ्रंट व्यू जो होगा सर्कुलर होगा। देख सकते हैं इसके सामने वाला व्यू, या फिर इसके सामने वाला भी देख लो ना, ये सर्कुलर है ना, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू पे ये सर्कुलर बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये तो सिलेंडर है, अगर इसकी जगह पे सिलेंडर ना हो गया, अगर रेक्टेंगुलर होता या क्यूबॉइडल होता तो क्या होता, यहाँ पे टॉप व्यू पे बनता रेक्टेंगल और यहाँ पे स्क्वायर फ्रंट व्यू पे, है ना। तो ये विजुअलाइज करने की चीज है, ठीक है। वहां पे आपके पास वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ऐसे 3D डिजाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस आप पढ़ करके फौरन फौरन बनाने का आइडिया डेवलप होना चाहिए। वो आइडिया कैसे डेवलप होगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ही डेवलप होगा, ठीक है। तो विजुअलाइज करने का जो पावर है उसको बढ़ाओ, तो वो पावर कैसे बढ़ेगा, क्वेश्चन बना के बढ़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे या बनाओगी, वो आपका कॉन्सेप्ट वैसे डेवलप होगा। फिर देखो कितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, ये तो दिख गया ना कि कैसे करेंगे इसको, प्रोजेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल ऑप्टेन होगा और इससे फ्रंट व्यू पे सर्कुलर सर्कल। देखो नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस, कितने टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं। टाइप तो चार है यहाँ पे, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक, बस ये दोनों जो है यही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। आप लोग तो डिजाइनिंग करना थोड़ी है, एग्जाम देना है ना, तो उतना डिजाइनिंग के बारे में जान के करेंगे क्या। तो देखो ऑर्थोग्राफिक को पैरेलल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, पढ़ सकते हैं क्रिएट अ मल्टीपल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो गिव्स यू ट्रू शेप एंड ट्रू डायमेंशंस। तो देखो इसके कहने का मतलब ये है कि आप अगर 3D कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, है ना, तो ये मल्टीपल व्यू, या फिर अगर उसको एंगल में भी, अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो मिलेगा ही, और भी अगर आप दूसरे दूसरे एंगल पे प्लेन रख दें तो और भी व्यू ऑप्टेन हो सकते हैं, इसलिए तो ये मल्टीपल लिखा है इसने, मतलब मैंने मल्टीपल इसलिए तो लिखा है यहां पर, ठीक है। तो हम इसे आगे देख लेते हैं, तो ऑर्थोग्राफिक में यही होता है, ऑर्थोग्राफिक का मतलब यही है कि आपकी जो भी डिजाइनिंग है उसको डिफरेंट व्यू में देख पाना, ठीक है, इधर टॉप में कैसे दिखेगा, फ्रंट में कैसे दिखेगा, साइड में कैसे दिखेगा, किसी एंगल पे रख दो प्लेन को तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यही होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का काम। और यहाँ पे से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये भी है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कौन कौन से हैं, तो ये ऑप्शन दिया रहेगा ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या फिर ये भी दे सकता है और लिख सकता है ऑल ऑफ दीज, या फिर ये दो देगा और लिख देगा ऑल ऑफ दीज, तो आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये बस मैं यहां पे वही वही चीज बता रही हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो ऑर्थोग्राफिक में ये दिख रहा है, मैंने यहां पे एक ब्लॉक लिया है, देख सकते हैं ये क्यूबॉइडल ब्लॉक है, इसको जब मैंने यहां पे प्लेस किया ना तो इसका जो टॉप व्यू हुआ वो रेक्टेंगल हो गया और फ्रंट व्यू हो गया स्क्वायर। आपको तो क्लियरली समझ में आ रही है बात, है ना, बात तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3D में दिखाया है। इसको यहाँ पे प्लेस करो तो क्या होगा, इस ब्लॉक को यहाँ प्लेस करो तो क्या होगा, ऐसे रख दो यहाँ पे तो टॉप पे क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा और फ्रंट पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा ना, बस
इसी तरह से और भी कोई ऑब्जेक्ट को, लेकिन हाँ इसे अभी जो प्लेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल प्लेस कर रहे हैं, कोई एंगल पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो भी ऑप्टेन होगा वो ट्रू व्यू होगा, जो भी होगा वो ट्रू ट्रू साइज होगा। जितना लेंथ, मान लो इसका लेंथ अगर दिया हुआ है 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर ही, इसका लेंथ भी 100 मीटर ही होगा। ट्रू लेंथ समझ में आती है बात? ट्रू लेंथ कभी कभी दे देता है कि व्हाट इज ट्रू लेंथ, तो जितना इसका लेंथ होगा ना उतना इसका भी लेंथ होगा, जितना इसका ब्रेथ होगा ये जो देख रहे हैं उसका इतना ब्रेथ होगा। मान लो ये दिया हुआ है 30, तो इसका 30 ही होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये भी 30 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे प्लेस कर दिया है तो बताओ कि इसका जो भी टॉप व्यू पे या फ्रंट व्यू पे जो भी फिगर ऑप्टेन होगा उसकी क्या डायमेंशन होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। तो बस ऐसे ही निकाल देना है, कुछ भी कोई खास नहीं है, बस विजुअलाइज करने का पावर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आसान से देखो कैसे फटाफट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन यही है कि प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। नेक्स्ट आता है, मैंने इसी के बारे में ही लिखा है आगे, इसकी प्रॉपर्टीज, ओनली वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन व्हाइल अदर साइड्स विल बी ऑन द अदर प्लेन, है ना। एक साइड पे एक ही प्लेन पे दो तीन तरह के इमेज तो नहीं बन रहे ना, एक प्लेन पे एक इमेज बन रहा है फिर दूसरे प्लेन पे अदर, है ना, वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है शोज ओनली ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको ट्रू साइज के बारे में आपको बताया है अभी। फिर क्या है, प्रोजेक्शंस आर ड्रॉन एट अ 90 डिग्री, तो देखो ये जो है फिगर मैंने जो बताया था अभी, ये क्या है, अगर प्लेस कर देंगे यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर इस क्यूबॉइडल ब्लॉक को तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट हो, ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है ना, अगर मैंने इसे अगर प्लेस किया तो ये ऐसे प्लेस किया था तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, टॉप व्यू के लिए ऐसे हो ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन देगा और फ्रंट व्यू के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन देगा। तो ये 90 डिग्री पे है, देखो ये 90 डिग्री पे है ना, बस वही चीज बोल रहा है वो, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, छोटा छोटा सा दे देता है क्वेश्चन, ये मतलब आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रोजेक्शन जो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री पे दे देगा कि 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे, तो आपको ये क्वेश्चन बना करके उतना समझे रहेंगे तो ही तो बनाएंगे ना कि हाँ नहीं 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 90 डिग्री ही होता है, 30-60 कैसे हो सकता है। फिर देखो उतनी बातें तो हो गई, वो थे वो सारी बातें थी ऑर्थोग्राफिक के लिए, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है ना वो आइसोमेट्रिक के लिए है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, देखो इसका ये होता है ना कि ये क्वेश्चन इस पे जो है एग्जामिनेशन में उतने आते नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी रखना चाहिए क्योंकि मे भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है इसका काम बस इतना ही है कि आपके जो ड्राइंग को प्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम होता है। जैसे कि डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, मेथड फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3D ऑब्जेक्ट्स इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में 3D ऑब्जेक्ट को दिखाना, कैटिया में जो डिजाइनिंग करते हैं, सॉलिड वर्क्स में जो डिजाइनिंग करते हैं वो क्या होता है, उसमें भी वही होता है कि 3D फिगर को 2D भी फिगर में दिखाना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये क्या है, ये प्लेन है ना, ये सिंपली प्लेन है, इस प्लेन में मैंने आपको 3D फिगर बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में बनाया है मैंने, बस इससे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि प्लेन के साथ ये 30 डिग्री बनाता है एंगल दिख रहा है यहाँ पे, और इनके बीच का जो भी एंगल होता है आइसोमेट्रिक में ये ऑलवेज 120 डिग्री होता है। देखो हर के बीच जो है वो 120 डिग्री ही है, ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो इसको याद रखना है। ये वाला जो है इसको बेस लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है ना इसको बेस लाइन बोलते हैं, इन सब के बीच 120 डिग्री का एंगल है। एग्जामिनेशन में कहीं कहीं पूछा हुआ है इसलिए मैंने बताया है, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रेलवेज एग्जाम में ही पूछा है, कहीं कहीं पूछा है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, 3D फिगर को 2D में दिखाना,
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक। मैंने आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, बस वैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और अगर क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। देखो, एज सीन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर। दूर से देखेंगे तो क्या होगा, छोटा साइज दिखेगा ना। अगर इसका पूरा अगर डायमेंशन दिया हुआ है कि ये 30 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिक है, बट अगर डिस्टेंस में चले जाएंगे, डिस्टेंस से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा। तो वही चीज़ है ये। फिर है प्रोजेक्शंस आर ड्रॉन एट 30 डिग्री। वहाँ पे क्या करते थे, प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे बनाते थे, यहाँ पे प्रोजेक्शन 30 डिग्री पे। ये यही है बेसिक डिफरेंस, और इसको याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे मान लो कि वहाँ पे ऑर्थोग्राफिक नहीं पूछा, वहाँ पे आइसोमेट्रिक डाल दिया आपको जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो वहाँ पे आप याद रखना ये चीज़ के आइसोमेट्रिक में आपने क्या पढ़ा था और ऑर्थोग्राफिक में क्या पढ़ा था। तो ये इतना हो गया। फिर क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्फेयर इज अ सर्कल। तो देखो ये ना याद रखना है, स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है सर्कल होता है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल इज एलिप्स, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर आते हैं क्वाड्रेंट्स। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्जामिनेशन में, वो क्वाड्रेंट्स पे ही रहते हैं कि बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट रख दिया है अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, या फिर अबव एचपी बिहाइंड द वीपी। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट दिखा दिए हैं कि अगर किसी भी केस का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग समझ जाओ कि ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अबव एचपी और इन फ्रंट, हालांकि इंडिया में जो भी वर्क होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, लेकिन हो सकता है कि रेलवेज एग्जाम में या फिर आप दूसरे एग्जाम दो अगर, तो वहां पे कंफ्यूज करने के लिए बिहाइंड द वीपी अबव द एचपी ऐसी कुछ बात लिख दे, या फिर कुछ ऐसा फिगर वहां पे पहले से कंस्ट्रक्ट करके बता दे और फिर बोले कि ये बताओ कि ये जो इमेज जो ऑब्टेंड हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, अबव एचपी बिहाइंड वीपी, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको याद रखना है कि जब कभी भी बात होगी इस टाइप की कि अबव एचपी बिहाइंड वीपी, जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, जब इमेज ऑब्टेन होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, है ना, इसका मतलब ही यही है। मैंने यहाँ पे दिखाया इसलिए है कि अगर बिलो एचपी बिहाइंड वीपी इमेज ऑब्टेन हो रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। तो इसको आप लोग, बेहतर ये है कि आप लोग लिख लो, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन बनाने लगो ना तो वहाँ पे थोड़ा इजी पड़े। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इंडिया में जो भी वर्क होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होता है। तो सारी बातें थी कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तो वह कैसे कैसे इमेज ऑप्टेन हो रहा था। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक प्लेन ले लेते हैं, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रख देते हैं, प्लेट लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं अगर, तो प्लेट अगर लेंगे तो इस सरफेस पे क्या होगा, टॉप व्यू बनेगा ना, टॉप व्यू बनेगा यहाँ पे। अगर पैरेलल रखते हैं, अगर रेक्टेंगल को, रेक्टेंगुलर प्लेट को पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, टॉप व्यू पे रेक्टेंगल ऑप्टेन होगा, और ये जो दिख रहा है ना आपका फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे क्या ऑप्टेन होगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑप्टेन होगा, होगा ना, इस सरफेस पे। और अगर इंक्लाइन कर दिया जाए, अगर मैं इंक्लाइन कर देती हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पे टॉप व्यू पे जो होगा ऑप्टेन वो स्क्वायर होगा, और फ्रंट व्यू पे भी जो होगा वो स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये सब ना याद रखना है कि इंक्लाइन जब होगा तो क्या चेंजेस आएंगे। उसी तरह से अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे प्लेट, स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर प्लेट ले लेती हूँ यहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो भी ऑप्टेन होगा टॉप व्यू पे वो इलिप्स होगा, और फ्रंट व्यू पे वो भी इलिप्स होगा, ठीक है, इलिप्टिकल शेप ऑप्टेन होगा।
अगर एंगल 30 डिग्री या 45 डिग्री रखा तो, ठीक है, मतलब एंगल पे रहेगा ना ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसा इमेज ऑप्टेन होगा। रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्क्वायर ऑप्टेन होता है, स्क्वायर ये तो था सर्कुलर प्लेट के लिए, वो इलिप्स ऑप्टेन हो रहा है यहाँ पे। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्क्वायर ऑप्टेन होगा। उसी तरह से और कोई भी प्लेट दे सकता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट देगा तो वहाँ पे स्क्वायर ही ऑप्टेन होगा। बस इसी तरह से याद रखना है, कुछ कुछ बनाएंगे क्वेश्चन ना तो वो खुद ही दिमाग में रहेगा। बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन वहाँ पे छूटने नहीं चाहिए इन सब टॉपिक से, तो एटलीस्ट, क्योंकि ये काफ़ी आसान टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोग को टफ लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं, ये मैंने 3D में दिखाया, आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो 2D में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो इतने तो हो गए, और अगर आपको कभी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में कि ये बन नहीं रहा है, तो आप फ्री हैं पूछने के लिए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से या अदर टॉपिक से। और एक और बात, ये तो हो गया, क्वेश्चन जब तैयार हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन कल संडे है ना, तो कल मैं क्वेश्चन तैयार करूंगी और वो 12 बजे के बाद, मतलब सेकेंड हाफ में ही दे पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कल संडे है तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलो इतना रहने देते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आएगा, आप लोग सब्र रखना और क्वेश्चन बनाओ प्लीज़। ओके, चलो बाय।